तो टुडे क्लास वी विल सी द क्वाची रिमायण इक्वेशन इन पोलर फॉर्म पोलर फॉर्म दैट मीन्स आर एंड थीटा एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स के अलावा आर एंड थीटा फॉर्म में पोलर इक्वेशन्स को में क्वाची रामायण इक्वेशन्स का क्या फॉर्म होगा उसको हम लोग देखेंगे ये जर्नी प्रूफ में ही आता है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी इसका फॉर्म को पूछा जाता है तो उसको हम लोग को याद करना होगा डिविशन हम लोग यहाँ पर देखेंगे सो so, ये दो फॉर्म है हमारा क्वाची रामायण इक्वेशन का फर्स्ट डो यू बाई डो आर इज इक्वल टू वन बाई आर डो वी बाई डो ठीटा एंड द सेकेंड फॉर्म इज डो यू बाई डो थीटा इज इक्वल टू माइनस आर डो वी बाई डो आर ये हमारा दो फॉर्म है Now इसका हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कार्टेजियन एंड द पोलर कॉर्नेट्स सो वी नो दैट एक्स इज इक्वल टू आर कॉस्टीटा एंड

हम दो टाइम में करना है एक आर के रिस्पेक्ट में करना है और एक ठीटा के रिस्पेक्ट में करना है क्योंकि पोलर कॉर्डिनेंट जो होता है वो आर और ठीटा के फॉर्म में होता है जैसे हम लोग कार्टेजियन कोऑर्डिनेट्स में एक्स और वाई कोऑर्डिनेट लेते थे और उसमें डिफ्रेंशिएशन करके हम लोग कॉची रामायन इक्वेशन फाइंड करते थे यहाँ पे हम लोग आर और थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे और वैल्यू फाइंड करेंगे काफ़ी ईजी है बस थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है सो डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन वन पार्शली विथ रिस्पेक्ट टू आर ये जो इक्वेशन नंबर वन है इसको हम लोग आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे पार्शली सो so, ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में यू है यू का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू आर डो यू बाई डो आर प्लस आई डो वी बाई डो आर इज इक्वल टू एफ का डिफरेंशिएशन तो एफ का डिफेंसिएशन एफ डैश आर the पावर i theta देन इसके अंदर जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे सो so e to टू power i theta जो है वो कॉन्स्टेंट हो जाएगा आर का डिफेंसिएशन वन सो to टू power i theta दिस इक्वेशन नंबर टू अगेन डिफ्रेंसिएटिंग करेंगे फर्स्ट ऑर्डर डेरेवेटिव दैट इज एफ डैस आर ई टू दावर आईटा नाव इन दिस टाइम आर इज कॉन्स्टेंट एंड ई टू दावर आईटा को डिफ्रेंशिएट करना होगा तो ई टू पावर आई थीटा का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा पावर आई थीटा एंड देन आई थीटा का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा आई और टी डी पावर डी थीटा वन सो इट इज़ एफ डैश आर ई आई थीटा एट द पावर आई थीटा आई इक्वेशन टू in equation थ्री ये जो हमारा वैल्यू है इसको छोड़ ये आर को छोड़ के और आई को छोड़ के बाकी जो term है वो यहाँ पे है हमारा और इसका वैल्यू है हमारा इक्वेशन नंबर टू में डो यू बाई डो आर प्लस आई टाइम्स डो वी बाई डो आर तो इसको हम लोग यहाँ पे इक्वेशन नंबर थ्री में पुट कर देंगे तो एक्स्ट्रा टर्म हमारा क्या था आर ओ आई था एक्स्ट्रा टर्म आर ओ आई को हम लोग इधर लिखेंगे और इसके जगह पे हमारा ये जो वैल्यू था एल एच एस का वैल्यू उसको यहाँ पे सब्सिट्यूट कर दिया सो डो यू बाई डो आर प्लस आई टाइम्स डो वी बाई डो आर ना आई और आर से ये मल्टीप्लाई होगा तो पहला वाला टर्म हो जाएगा आई आर डो यू बाई डू आर नेक्स्ट आर टाइम्स आई स्क्वायर डू वी बाई डू आर और आई स्क्वायर का वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या होता है दैट इज इक्वल टू माइनस वन सो ये हो जाएगा माइनस आर डू वी बाई डू आर डू यू बाई डोटा प्लस आई डो वी बाईट टू माइनस आई आर सॉरी प्लस आई आर डो यू बाई डो आर माइनस आर डो वी बाई डो आर सो दिस इज द फॉर्म एंड नाउ इक्वेटिंग द रियल एंड इमेजनरी पार्ट वी गेट तो रियल पार्ट हमारा यहाँ पे है डो यू बाई डो थीटा और यहाँ पे रियल पार्ट है माइनस आर डो वी बाय डो आर सो डो यू बाई डो थीटा इज इक्वल टू माइनस आर डो वी बाई डो आर और वी कैन राइट इट एज डो वी बाई डो आर इज इक्वल टू वन ये आर इधर चला जाएगा तो माइनस वन बाई आर डो यू बाई डो ठीटा सिमिलरली वी कैन फाइन इट एज फॉर इमेजनरी पार्ट डोवी बाई डोटिटा इज इक्वल टू आर टाइम्स डो यू बाई डो आर तो ये हो जाएगा आर को इधर लेके आएंगे तो डो यू द पोलर फॉर्म ये फर्स्ट फॉर्म है ये हमारा सेकेंड फॉर्म है पोलर फॉर्म ऑफ सी आर इक्वेशन और नाउ नेक्स्ट इज द डेरिवेटिव ऑफ w इन पोलर फॉर्म इसका पोलर फॉर्म हमारा क्या होता है उसको हम लोग देखेंगे सो so, w डब्ल्यू इज कॉम्प्लेक्स फंक्शन और कॉम्प्लेक्स नंबर टू यू प्लस आई वी नाउ डिफ्रेंसिएटिंग डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स सो डो डब्ल्यू बाई डू एक्स इज इक्वल टू डो यू बाई टू एक्स प्लस आई टाइम्स डो वी बाई डू एक्स ये तो काफी इजी है नाउ बट वी नो दैट डी डब्ल्यू बाई डी जेड इफ डब्ल्यू इज ए फंक्शन ऑफ यू आर वी और डब्ल्यू अगर फंक्शन हो मेरा आर और क्योंकि हमको आर और ठीटा के रिस्पेक्ट में पोलर कॉर्डिनेट में इसको चेंज करना है सो डी डब्ल्यू बाई डी जेड को हम लोग लिख सकते हैं डो डब्ल्यू बाई डो आर डो आर बाई डो एक्स एंड डो डब्ल्यू बाई डो ठीटा डो ठीटा बाई डो एक्स ठीक है इस फॉर्म में लिख सकते हैं ये तो मैथमेटिकल पार्शल डिफेंसेशन और टोटल डिफेंसेशन के बीच का रिलेशन है अब डो आर बाय डो एक्स का वैल्यू क्या होता है डो आर बाय डोएक्स इज कॉस्ट हीटा एंड डो ठीटा बाय डो एक्स ये क्या होता है हमारा इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर दिया ठीक है इसका वैल्यू भी हम लोग यहाँ पर निकाला हुआ है एक एक करके हम लोग फाइन भी कर सकते हैं या फिर इसका वैल्यू डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं सो डो आर बाय डो एक्स की जगह पे हम लोग पुट कर दिए कॉस्ट हीटा ठीक है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक्स इज इक्वल टू होता है ये बहुत ईजी है एक्स इज इक्वल टू होता है आर कॉसावल टू आर कॉस theta सो वी हैव टू फाइंड डू आर बाय डू एक्स तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आर इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स बाय कॉस ठीटा

तो ये होता है डोडब्ल्यू बाय डो थीटा इज इक्वल टू डो यू बाय थीटा प्लस आई टाइम्स डो भी बाय डो थीटा सो so, यह हम लोगों ने पुट कर दिया डो यू बाई डो ठीटा प्लस आई डो भी बाई डोटा और डो ठीटा बाई डो एक्स का वैल्यू होता है माइनस साइन थीटाईनसा बाई आर यहाँ पे हम लोगों ने पुट कर दिया ठीक है या फिर आगे से भी हम लोग इसको पुट कर सकते हैं दूसरे वैल्यू से भी पुट कर सकते हैं फिलहाल ऐसे ही हम लोग पुट कर रहे हैं नेक्स्ट हम लोग के जानते हैं कि डो यू बाई डो टीटा अभी हम लोग फाइन किए हैं डो यू बाई डो ठीटा इज इक्वल टू माइनस आर डो भी बाई डो आर एंड डो यू बाई डो आर इज इक्वल टू वन बाई आर डोवी बाई डो टीटा तो ये वैल्यू हम लोग ने यहाँ पे लिखा भी है डो यू बाई डो ठीटा इज इक्वल टू माइनस आर डो भी बाई डू आर तो इसके जगह पे हम लोगों ने पुट कर दिया माइनस आर डो भी बाई डो आर और डो भी बाई डोथीटा के जगह पे हम लोगों ने पुट कर दिया आर टाइम्स डो यू बाई डो आर जो हमारा पोलर फॉर्म है कौची रामायण इक्वेशन का उसको हम लोगों ने यहाँ पुट कर दिया बगल में हम लोगों ने लिख भी दिया है यहाँ पे सिंस का वैल्यू भी लगा सकते हैं सिंस दिस इज इक्वल टू दिस ना मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा डी ले लेंगे आई से तो हो जाएगा हमारा आ, ये R से R भी हो जाएगा ये आर या आर भी कॉमन ले लेते हैं तो ये आर आर कैंसिल हो जाएगा ये सारे आर कैंसिल हो जाएंगे सो फर्स्ट टर्म हो जाएगा मेरा आई अगर कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा डो यू बाई डू आर प्लस यहाँ पे तो आई नहीं है माइनस है माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो माइनस मैंने कॉमन लिया तो यहाँ माइनस ऊपर नीचे आई से मल्टीप्लाई करना होगा तो ये आई हो जाएगा तो आई डो वी बाई डो आर साइन थीटा ना डो यू बाई डो आर थीटा माइनस आई इस टर्म्स को हम लोग लिख सकते हैं डो यू बाई डो आर प्लस आई डो वी बाई डो आर की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं सिंपली दोनों में डो दो बाई डो आर है तो डो बाई डो आर कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बचेगा यू प्लस आई वी साइन अब U प्लस आई वी इज इक्वल टू क्या होता है हमारा पहले ही हम लोगों ने यहाँ पे एज्यूम किया हुआ है W इज इक्वल टू यू प्लस आई वी तो यहाँ पे हो जाएगा U प्लस आई वी इज इक्वल टू डब्लू सो डो डब्ल्यू बाई डो आर साइन थीटा सो डी dZ बाई डी जेट इज इक्वल टू ये डो डब्ल्यू बाई डो आर दोनों में कॉमन है तो ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा डो डब्ल्यू बाई डो आर इक्वेशन नंबर वन नाव दिस इज द फर्स्ट पार्ट फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने प्रूफ कर दिया अब हम लोग सेकेंड पार्ट ऑफ डी डब्ल्यू बाई डीजे करेंगे डो डब्ल्यू बाई डो आर डो आर बाय डो एक्स डो डब्ल्यू बाई डो थीटा डो थीटा बाई डो एक्स फिर डो आर बाई डो एक्स की जगह पे कॉस्ट थीटा और डो थीटा बायस की जगह पे माइनस साइन थीटा बाई आर ठीक है अब W के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं U प्लस आई वी सो यू प्लस आई वी और इसको डिफ्रशियट करेंगे तो ये हो जाएगा डो यू बाई डो आर प्लस आई टाइम्स डो डब्लू बाई डो थीटा साइन थीटा बाई आर ना डो यू बाई डो आर के जगह पे हम लोग फिर पोलर फॉर्म ऑफ इक्वेशन यूज करेंगे जो हम लोग कौचे रामायन इक्वेशन में यूज किए हैं दैट इज वन बाई आर डो भी बाई डो थीटा एंड डोवी बाई डो आर के जगह पे पुट करेंगे माइनस वन बाई आर डो यू बाई डो ठीटा ठीक है इंटू कॉस्टिटा माइनस डो डब्ल्यू बाई डो थीटा साइन ठीटा बाई आर नॉट टेकिंग माइनस आई बाई आर कॉमन सो ये हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा टर्म सो so डो यू बाई डो ठीटा यहाँ पे आई नहीं था ऊपर नीचे यहां आई से मल्टीप्लाई करना पड़ा तो ये हो जाएगा आई डो भी बाई डो ठीटा कॉस्टा माइनस डो डब्ल्यू बाई डोटा साइन थी आर ये तो जो वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे सब्सिट्यूट किया वो यहाँ पर लिखा है सो माइनस आई बाई आर डो बाई डो ठीटा यू अब ये यहाँ पे दोनों में डो बाई डो ठीटा डो बाई डोटा कॉमन है सो डो बाई डो ठीटा कॉमन यू प्लस आई वी कॉस्टीटा डो डब्ल्यू बाई डो थीटा साइन थीटा बाई आर ना ये u प्लस आई वी का वैल्यू हमारा क्या होता है u प्लस आई वी हम लोगों ने शुरू में एज्यूम किया दिस इज माइनस आई बाई आर डो बाईब बाई डोटा कॉस्टिटा माइनस डो डब्ल्यू बाई डोटा साइन थी डी डब्ल्यू बाई डीज इज इक्वल टू माइनस आई बाई आर so, कॉस्टिटा दोनों में हम लोग कॉमन है सो so, डो डब्ल्यू बाई डो थीटा सो so, ये हो जाएगा कॉस्टिटा पहले वाले में कॉमन माइनस आई टाइम्स साइन थीटा कॉमन सो so, डो डब्ल्यू बाई डो थीटा इक्वेशन नंबर टू सो दिस इज ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया जो हम लोगों ने यहाँ पे प्रूफ करके दिखाया है इसके पहले वाले में और ये हमारा सेकेंड पार्ट हो गया डी डब्ल्यू फॉर्म में इक्वेशन में ये दो अलग अलग है थोड़ा सा मैथमेटिकल डेरिवेशन है क्वची रामायण इक्वेशन का जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है लास्ट में वो अगर फॉर्म हमारा याद है तो ये कैलकुलेशन बहुत ही ईजी है एक दो प्रैक्टिस में ये हमारे इसमें हम लोग कमांड हमारा हो जाएगा नेक्स्ट इज अवर टॉपिक इज दर्थोग को लेकिन हम लोगों इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लेन सो टू कर्स आर सेट टू बी ऑर्थोगनल टू ईच अदर वेन दे इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स एट ईच ऑफ देर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहां पर भी वो कटे वहाँ पे उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में 90 डिग्री एंगल जरूर बने सो द एनालिटिक मान लेते हैं दो एनालिटिकल फंक्शन है द एनालिटिकल फंक्शन एफ जेड यू प्लस आई वी कंसिस्ट ऑफ टू फैमिलीज ऑफ कर्व दो फैमिली ऑफ कर्व बना रहा है एक फैमिली ऑफ कर्व है जिसका वैल्यू है यू एक्स वाई इज इक्वल टू सी वन एंड सेकेंड फैमिली ऑफ कर्व इज भी एक्स वाई इज इक्वल टू सी टू विच फॉर्म द एन ऑर्थोगोनल सिस्टम सो मान लेते हैं c1 है या c2 है इक्वेशन नंबर वन एंड इक्वेशन नंबर टू So, ये दो कर्व है जो पहला कर्व ये जो है ये कर्व U इज इक्वल टू सी वन से डिनोट हो रहा है और ये एक V है जो V कर्व है जो सी टू से डिनोट हो रहा है दोनों एक दूसरे को इंटरसेट कर रहा है 90 डिग्री पे अब इसका इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और इसका इक्वेशन फाइंड करना है सो इक्वेशन नंबर वन है हमारा ये इक्वेशन नंबर टू है ये सो इक्वेशन नंबर वन को हम लोग करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो हम लोग जानते हैं चूंकि ये x और y दोनों का फंक्शन है तो टोटल डिफरेंशिएशन और पार्शियल डिफरेंशिएशन का जो रूल अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं सो so ये हो जाएगा डो यू dx डो एक्स dy प्लस डो यू बाई डोवाई डीवाईज इक्वल टू जीरो तो इस इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू आएगा माइनस डो यू बाई डो एक्स डिवाइड बाई डो यू इसको मान लेते हैं हम लोग कर्व इसका वैल्यू मान लेते हैं इसका स्लोप ये है स्लोप फॉर्म है डीवाई बाई डी एक्स सो इट इज एम वन

और एम टू का वैल्यू है ये तो ये माइनस डो यू बाई डो एक्स डो यू बाई डोवाई माइनस डो वी बाई एक्स अब इसके जगह पे हम लोग पुट कर देंगे कौची रामान इक्वेशन से डो यू बाय डो वाई और डो भी बाई डो वाई के जगह पे पुट कर देंगे कौची रामान इक्वेशन से डो यू बाय डो एक्स तो अभी हम देख रहे हैं कि ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गया ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गया ठीक है तो वैल्यू आएगा हमारा यहाँ पे माइनस वन ठीक है यहाँ पे एक माइनस का टर्म आएगा तो माइनस हो गया ये माइनस वन सो एम वन इंटू एम टू का वैल्यू हो गया माइनस वन तो सिंस एम वन इंटू एम टू इज इक्वल टू माइनस वन टू कर्व्स यू इज इक्वल टू सी वन एंड इज इक्वल टू सी टू आर ऑर्थोगोनल एंड सी वन सी टू आर पैरामीटर्स यू इज इक्वल टू सी वन एंड इज इक्वल टू सी टू फॉर्म एन ऑर्थोगोनल सिस्टम ये एक सिस्टम को फॉर्म करता है

स्केलर क्वांटिटी दैट विल इक्वल टू जीरो दिस इज द लैपलास इक्वेशन सो इसका कार्टेजियन फॉर्म में जो भी इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा जो भी फंक्शन का दैट इज कॉल्ड हार्मोनिक फंक्शन सो कंडीशन हम लोग फाइंड करेंगे अभी सो इफ एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी इज एन एनालिटिक फंक्शन देन यू प्लस यू एंड वी आर बोथ हार्मोनिक फंक्शन एंड व्हाट इज द कंडीशन कंडीशन अभी हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं यहाँ so, मान लेते हैं लेट f z is equal to u plus i v be the analytic function. So every analytic function will satisfy the cauchy raman equation. Uh, Cartesian form hai. so so. got do u by do x is equal to do v by do y, and do v by do y is equal to minus do v by do x. Equation number one and equation number two. Now you are differentiating equation one with respect to x. Equation one. Ko हम लोग एक्स के रिप्लेस में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका ये डबल डिफेंसिएशन हो जाएगा सो तो ये हो जाएगा डो टू यू बाई डो एक्स स्क्वायर इसका डिफेंसिएशन हो जाएगा डो टू वी बाई डो एक्स डोवाई क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इक्वेशन नंबर थ्री इक्वेशन नंबर टू को फिर डिफेंसिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू तो वाई पार्शियली सो तो ये हो जाएगा डो टू यू बाई डो वाई स्क्वायर एंड इसका डिफेंसिएशन हो जाएगा माइनस डो वी बाई डो वाई डो एक्स

सो so, ट अगर यू एंड वी को हम लोग कॉन्जुगेट कहेंगे तो इसको हम लोग क्या कहेंगे इसको हम लोग कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन कहेंगे कॉन्जुगेट मतलब एक दूसरे से मिलता है. तो ये हमारा हुआ हार्मोनिक फंक्शंस इसके बाद इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे और उसमें देखेंगे कि कैसे इस सब कंडीशन को प्लब इक्वेशन के फॉर्म को या हारमोनिक इक्वेशन के फॉर्म को कैसे हम लोग फॉर्म कर सकते हैं या कोई फंक्शन दिया हुआ है तो उसको प्रूफ कैसे दिखाएंगे कि ये हारमोनिक फंक्शन है या नहीं है